मेरे टेस्टीज पे और मेरे पीनस पे बिजली के करंट लगाए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें वाच टाइम्स में, हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, इदारों में बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में शहबाज़ गिल का आज दो रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ था। उसके बाद पुलिस ने शहबाज़ गिल को आज ड्यूटी जज जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान की अदालत में पेश किया। तकरीबन एक घंटे तक ये समाअत चलती रही और प्रोसिक्यूटर ने भी दलाइल दिए, जबकि शहबाज़ गिल के जो वकला थे फैसल चौधरी, अली बुखारी, शुएब शहीन, उनकी जानिब से भी दलाइल दिए जाते रहे। अदालत ने जो फैसला सुनाया, आप सबको मालूम हो चुका होगा कि अदालत ने शहबाज़ गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दिया है। लेकिन आज कमरा अदालत में कुछ अजीब व गरीब हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कि शहबाज़ गिल को जब पहले दिन पेश किया गया तो वो एम्बुलेंस में आए थे, और उसके बाद ये तासुर दिया गया कि शहबाज़ गिल के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है, उनकी तबीयत भी नासाज है। लेकिन उसके बाद जब शहबाज़ गिल को पेश किया गया तो SP नौशरवान ने यह कहा कि शहबाज़ गिल की जमानत, यानी कि शहबाज़ गिल से उन्होंने मुखातिब होकर कहा आपकी जमानत होगी है तो कचहरी में आपके मुचलके भरने हैं। लेकिन आज जब शहबाज़ गिल इस्लामाबाद की मकामी अदालत में आए तो बड़े हशाश बिशाश थे, उनके चेहरे पर मुस्कराहट भी थी। कमरा अदालत में वो क्या चैमगोइयां करते रहे, किससे क्या बात करते रहे, आगे चल के बताऊंगा। लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग हुई है, आज की प्रोसीडिंग के अलावा आपको ये बात बताएं कि जो आवाम के मुहाफिज हैं इस्लामाबाद पुलिस, क्योंकि जब पेशी होती है तो इनकी भी ड्यूटियाँ लगती हैं। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार किस तरह थक हार कर बैठ चुके हैं, और शहबाज़ गिल का चूँकि जो जिस्मानी रिमांड था उसकी सदा मुस्तर हो चुकी है और पुलिस उसको लेके अड्याला जेल रवाना हो चुकी है। आज की प्रोसीडिंग के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट आदिल तलोली, जो एक निजी चैनल से वाबस्ता हैं, इस हवाले से उनसे जानेंगे। आदिल, क्या देखते हैं कि शहबाज़ गिल के ऊपर एक नजायज़ असले का भी मुकदमा था थाना कोसार में, लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग हुई है, जो मुलजम के वकला थे फैसल चौधरी हो गए या दीगर, उन्होंने आज क्या मौकफ अपनाया, अदालत ने क्यों 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद की है? देखें, उनकी जानब से मौकफ यही अपनाया है कि गुज़श्ता 16 दिन से शहबाज़ गिल जो हैं वो तफ्तीश के मुख्तलिफ मराइल में जो हैं पुलिस के पास हैं। अभी तक उन्होंने, क्योंकि शुरू में पुलिस की जानब से कहा गया था उनका वो मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया है, तो उस पर उनके वकला ने अदालत को बताया कि सिर्फ एक फ़ोन का कहा तो 4 फ़ोन भी बरामद कर लिए हैं और दीगर जो चीज़ें हैं वो भी कब्ज़े में ली जा चुकी हैं। फिर इससे पहले कि पुलिस की जानब से ये नहीं कहा गया कि पोलीग्राफिक करवाना है वो टेस्ट, तो उसके लिए रिमांड दिया जाए। आज पुलिस की जानब से पोलीग्राफिक का बताकर रिमांड लेने की इस्तदा की है, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं मलिक अमान, उन्होंने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करके उन्हें जेल भेजने का हुक्म दिया है और पुलिस के हवाले किया है कि उनको जेल में बंद कर दिया जाए। तो उनको अभी पुलिस लेकर जो है वो जेल के लिए रवाना हो चुकी है। तो प्रोसिक्यूशन और वकला सफाई में आपस में भी नोक झोंक हुई है, काफ़ी कमरा अदालत का माहौल जो है वो भी गर्म रहा है। तो इसी तरह अगर बात करें शहबाज़ गिल की, तो शहबाज़ गिल आज बिल्कुल सूट बूट हुए, मुकम्मल तौर पर तैयार होकर आए थे। कमरा अदालत में जाते वक्त भी उनकी कोशिश थी कि मीडिया के साथ बात की जाए, और वापसी पर भी वो ये कहते मीडिया से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सख्त सिक्योरिटी हिसार में उनको वापस ले जाया गया। आज वकला की जानब से ज़्यादा इस बात पर भी ज़ोर नहीं दिया गया कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि आज उनकी मुलाकात भी करवाई गई है और काफ़ी गपशप भी हुई है। नहीं आदिल, ये बताएं कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि शहबाज़ गिल बड़े हशाश बशाश, मैंने खुद कमरा अदालत में देखा, क्या समझते हैं कि बिहाइंड द टेबल या अंडर द टेबल कोई मुज़ाकरात कामयाब तो नहीं होगी? जैसे शहबाज़ गिल के चेहरे पर मुस्कराहट थी कि वो पहली पेशी पर आए बहुत ही थके हुए लग रहे थे, दूसरी पेशी पर आए उस टाइम भी हशाश बशाश, लेकिन आज उनके चेहरे पे जो मुस्कराहट थी और कमरा अदालत में वो वकला से चैमगोइयां भी करते रहे, इधर उधर बातें भी करते रहे, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि फैसल चौधरी ने अदालत में ये कहा कि शहबाज़ गिल कोई दहशतगर्द नहीं है, कि पुलिस इस तरह ट्रीट कर रही है, इस तरह बिहेव कर रही है, उनको लेके जा रही है। तो क्या समझते हैं जो शहबाज़ गिल की बॉडी लैंग्वेज थी, क्योंकि आपको मालूम है पंजाब हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है और जेल में इनको प्रोटोकॉल तो ज़रूर मिलेगा, ये भी कहा गया ये इनको नंगा करके मारा गया हालांकि वो प्रोफेसर हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या समझते हैं शहबाज़ गिल की, क्या बता रही थी? देखें, जहाँ तक बात है पुलिस की तशद्दुद की या इस तरह के जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसके ऊपर इंक्वायरी भी ऑर्डर हो चुकी है। दूसरी चीज़ है केस मजबूत करने के लिए बरामदगी, वो मोबाइल फ़ोन भी उन्होंने बरामद कर लिया, फिर उसके पास जो वो सेटेलाइट टेलीफोन
वो भी बरामद कर लिया गया है। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि और कुछ चीज़ जो है वो केस के लिए रहती होगी, और जेल में भी उसके बाद जो है तशद्दुद की इस तरह की बात जो है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि अब जिस बात पर वो चीज़ें उनसे रिकवर हो चुकी हैं उसके बाद उनको भी पता चल चुका है कि अब इसके बाद जो है जेल में उनका प्रोटोकॉल मिल सकता है, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत है पंजाब के अंदर, तो जेल का जो सारा निज़ाम है वो, क्योंकि बेशक ये मुलज़िम वफाक के हैं लेकिन कस्टडी इनकी इस वक्त जो है वो पंजाब हुकूमत के पास है और वो पंजाब हुकूमत के अंडर में है, तो इस वजह से उनके लिए ये ज़रा काफ़ी आसानी का अमल वो समझते हैं। उसी वजह से आज हशाश थे कि आज ये जो है वो उनकी जान जो है वो वफाकी पुलिस से छूट जाएगी। बहुत शुक्रिया आदिल कियानी। नाजरीन, ये आप थोड़े मनाजर देख रहे हैं, ये कचहरी है। मेरे साथ इत्शाम कियानी, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। आज पूरी प्रोसीडिंग इत्शाम कियानी साहब ने भी सुनी। और कियानी साहब, आपने आज शहबाज गिल में एक, मैंने जो नई चीज़ एक देखी है कि शहबाज गिल बहुत हशाश बशाश और उनके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट थी, तो क्या समझे, क्या उनको पहले से आगाह कर दिया गया था कि अब मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं मिलेगा, और जो बॉडी लैंग्वेज थी शहबाज गिल की क्या बता रही थी? देखिए, आज शहबाज गिल जब कमरा अदालत में पहुंचे तो हमने देखा कि वो मुस्कुराते हुए कमरा अदालत में आए, हथकड़ी उन्हें लगी हुई थी लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। तो बॉडी लैंग्वेज भी एक एस्पेक्ट है, लेकिन दूसरी बात ये हो सकती है कि इससे पहले जो तशद्दुद का वो इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, अब वो चीज़ मुकम्मल तौर पर, अगर जिस्मानी तशद्दुद नहीं है, जो साइकोलॉजिकल टॉर्चर है उससे भी इस बार उन्हें निजात मिली होगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एसएसपी लेवल के अफसर को इस सारे प्रोसेस की मॉनिटरिंग का हुक्म दिया था, और इसके अलावा जो इससे पहले तशद्दुद के इल्ज़ाम थे उन पर हाई कोर्ट के लेवल के एक रिटायर्ड जज से इंक्वायरी का हुक्म भी दिया था। तो ये बड़ा संजीदा मामला हो गया है। अब हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जब मुकर्रर होंगे तो वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ या नहीं। उसमें एक चीज़ जो उसमें सपोर्टिव होगी वो ये है कि जेल में जब शहबाज गिल को पहुंचाया गया पहले जिस्मानी रिमांड के बाद, तो जेल की जो रजिस्टर है, रजिस्टर मेंटेन होता है साथ, उस रजिस्टर में जो उनका तिबी मुआयने के जो रिपोर्ट लगी हुई है उसमें उनके जिस्म पर तशद्दुद के कुछ निशानात पाए गए हैं। तो अब तमाम तर सूरत हाल में जो हाई कोर्ट ने कमीशन बनाया है तो वो कमीशन अब इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। तो इससे बज़ाहिर ये लगता है कि शहबाज गिल को ये गुज़िश्ता जो 48 घंटे का रिमांड था उसमें नॉर्मल हालात में रखा गया है, और पुलिस ने मज़ीद चीज़ें बरामद करके उनकी बुनियाद पर रिमांड की इस्तदा की है, तो इसलिए आज अशाश बशाश लग रहे हैं। कैन साहब, आपने कल हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग भी कवर की थी, अब एक इल्ज़ाम आयद किया गया है शहबाज गिल के मुतल्लिक, के यानी इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म है उनकी जानिब से भी कहा गया कि जिनसी इस्तेसाल हुआ है शहबाज गिल का, क्या समझते हैं इसमें कोई सदाकत है या सिर्फ इल्ज़ाम है? क्योंकि ना मेडिकल की दरख्वास्त दी गई कि अगर शहबाज गिल के साथ जिनसी इस्तेसाल हुआ है तो उसके मेडिकल के लिए दरख्वास्त क्यों नहीं देगी, इसमें कितने कुछ सदाकत हो सकती है? देखिए, जिनसी इस्तेसाल को आज वो उसकी वजाहत कर गए हैं। शहबाज गिल ने MJTV को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि मेरे जिस्म के जो नाजुक हिस्से हैं उन पर करंट लगाया जाता था, तो इसको उन्होंने सेक्सुअल अब्यूज़ कहा है। इमरान खान ने भी फिर जो सेक्सुअल अब्यूज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था तो वो इसी कॉन्टेक्स्ट में होगा। पब्लिक में पब्लिक सेंटिमेंट्स जो होते हैं उनको गैदर करने के लिए होती हैं ये चीज़ें, जिस तरह इमरान खान ने ट्वीट करके सेक्सुअल अब्यूज़ लिख दिया और उसको एलेबोरेट नहीं किया, तो वो इस तरह से समझा जा सकता है। तो अब कोई आप कह रहे हैं कि मेडिकल होना चाहिए, तो मेडिकल में अब वो उसको उस तरह से प्रूव तो नहीं किया जा सकता जिस तरह सेक्सुअल अब्यूज़ जिसमें जिंसी तौर पर वो होता है सारा प्रोसेस, तो अब वो प्रूव नहीं हो सकता, तो शायद इसलिए। लेकिन हाई कोर्ट ने जो कमीशन बनाया है इंक्वायरी कमीशन, वो इसको इंक्वायर करेगा और इसके जो भी फैक्ट्स होंगे, फाइंडिंग्स होंगी, वो अब आवाम के सामने आ। अच्छा, शहबाज गिल के खिलाफ जो थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा था उसमें उनको जेल ऑलरेडी प्रोसिक्यूटर ने भी इस्तदा की थी, अब क्या समझते हैं कि शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत, क्योंकि वकला से जो बात हुई वो तो कह रहे हैं हम दरख्वास्त जमानत भी दायर करेंगे, क्या समझते हैं कि 124A जो दफ़ा लगी है जिसकी जो पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी है, तो क्या उनको यहीं से इस्लामाबाद की मकामी अदालत से जमानत उनकी मंजूर हो जाएगी या इसके लिए भी उनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा? देखें, मुतलका हल्के जितने कंसर्न लग रहे हैं इस मामले से, इब्तदाई तौर पर
इस मातहत अदालत से उनको ज़मानत मिलना बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक बार उनको जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया तो उससे भी सेटिस्फाई नहीं हुई दूसरी पार्टी, और उन्होंने पहले रिवीजन यहाँ पे फाइल की, फिर उसके बाद हाई कोर्ट गए। तो इससे ये लगता है कि ये कोशिश जो है इसको फौरी तौर पर स्टॉप नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको कंटिन्यू रखा जाएगा और हतल इम्कान कोशिश की जाएगी कि शहबाज गिल जल्द अज जल्द बाहर ना आ सकें। ज़मानत हो गई तो शहबाज गिल ने उनकी रिहाई का ऑर्डर हो जाना है, तो ये जो मुतलका हल्के हैं बज़ाहिर वो इस बात ये नहीं चाहते कि शहबाज गिल रिहा हो जाए। अच्छा कैन साहब, आप माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी अर्से से आप कोर्ट कवर करें, एक परसेप्शन बनी है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, क्या समझते हैं कि इसमें कितनी कुछ सदाकत है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया? जैसा कि बॉडी लैंग्वेज आज आपने देखी शहबाज गिल की, हम सब ने देखी, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, सिर्फ एक अप्रिसिएशन परसेप्शन ये बनी हुई है, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? शहबाज गिल तो अपने मौकफ़ के साथ खड़े रहे हैं, उन्होंने जब भी वो अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहा जी मैंने ऐसी कोई बात की नहीं है जो कि जुर्म के ज़ुमरे में आती हो। उनके पार्टी क़यादत जो है वो इस मामले पे कंफ्यूज लगी है, क्योंकि कुछ रहनुमाओं ने यह भी बयान दिए हैं कि शहबाज गिल ने जो बयान दिया है वो गलत था, कुछ ने कहा जी कि वो उन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, लेकिन शहबाज गिल अपने बयान पे वो कॉन्फिडेंट रहे और वो उन्होंने उसके साथ स्टैंड किया। अब इसी वजह से ही इस्लामाबाद पुलिस को पहले 2 दिन का फिजिकल रिमांड मिला और उसके बाद शहबाज गिल को जुडिशल कर दिया गया था, क्योंकि पुलिस के पास एज सच कोई सॉलिड पीस ऑफ एविडेंस नहीं था, या उन्होंने कोई ऐसी वजह बयान नहीं की थी कि कौन सा एविडेंस उन्होंने हासिल करना है जिसको अदालत मुतमईन जिस पर होती और उनको फिजिकल रिमांड देती। तो अब शहबाज गिल तो अपने बयान के साथ स्टैंड कर रहे हैं, इस हद तक बात है। बहुत शुक्रिया कैन साहब। नाज़रीन, ये शाम कैन थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे, लेकिन जो शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनका ये कहना है कि कल वो दरख्वास्त जमानत दायर करेंगे। और कल की एक बड़ी खबर ये है कि इमरान खान, जिनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर था, वो भी कल इस्लामाबाद की इंसाफ दहशतगर्दी की अदालत में ज़मानत के लिए रुजू करेंगे और वहाँ पे पेश होंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें कि आज साबिक वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने भी कमरा अदालत में जाने की कोशिश की, लेकिन उनको कमरा अदालत में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अब देखते हैं कि शहबाज गिल की क्या ज़मानत इस्लामाबाद की मकामी अदालत से मंजूर होती है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अगले प्रोग्राम तक लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।